गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपके पास वीडियो लेके आया हूं चैप्टर थर्ड प्रॉफिट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जब पार्टनर्स के रेशियो चेंज हो जाते हैं वो चैप्टर चैप्टर नंबर थर्ड है और उसमें जो टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की, गुडविल की वैल्यूएशन आप किस प्रकार करोगे। गुडविल की वैल्यूएशन के हमारे तीन मेथड है। सबसे पहले मेथड है एवरेज प्रॉफिट बेस्ड, दूसरा हमारे पास मेथड है सुपर प्रॉफिट बेस्ड और तीसरा मेथड है हमारे पास कैपिटलाइजेशन बेस्ड। ये तीन मेथड है जिसके आधार पर हम गुडविल की वैल्यूएशन कर सकते हैं। हम इसमें पहला मेथड लेके चलते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेथड से आप गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करोगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन के दो पार्ट होते हैं, एक सिंपल एवरेज बेस प्रॉफिट होता है और दूसरा वेटेड एवरेज बेस प्रॉफिट होता है। सिंपल एवरेज में क्या है कि कोई वेट हम नहीं लेते। अब सिंपल एवरेज प्रॉफिट भी दो तरीके के होते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट, कोई भी एडजस्टमेंट करने से पहले का प्रॉफिट हम लेंगे। दूसरा सिंपल एवरेज प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, यानी कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट में भी हमने एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट आया, कोई चीज ऐड करनी है तो हमने उसमें ऐड की है, कोई चीज लेस करनी है तो हमने उसमें लेस की है, उसके बाद जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट लेके चलते हैं। ये आफ्टर एडजस्टमेंट प्रॉफिट होता है, ये बिफोर एडजस्टमेंट प्रॉफिट होता है। अगर आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट है तो हम क्या करते हैं, जितने ईयर के प्रॉफिट दे रखे होते हैं उन ईयर के प्रॉफिट का टोटल कर लेते हैं, सम ऑफ टोटल ईयर्स प्रॉफिट या ऑल ईयर्स प्रॉफिट जितना भी होता है उसे प्लस करके जितनी नंबर ऑफ ईयर होती है, मान लो टू ईयर्स है, थ्री ईयर्स है, फोर ईयर्स है, फाइव ईयर्स है, उन ईयर्स के प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया जाता है तो ये एवरेज प्रॉफिट आ जाता है, वो भी सिंपल विदाउट एनी एडजस्टमेंट। और उस प्रॉफिट को एवरेज सिंपल विदाउट एनी एडजस्टमेंट नंबर ऑफ परचेजिंग जो क्वेश्चन में गिवन होता है ये हम निकाल लेते हैं इस तरीके से, और ये हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो गुडविल की वैल्यू पता लग जाती है कि इस बिजनेस की गुडविल की क्या वैल्यू होगी। इसके बाद इसका सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड टॉपिक में क्या बताया हुआ है कि सारी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, जो भी एडजस्टमेंट है जिसमें प्लस करने हैं वो प्लस कर देते हैं, जो एडजस्टमेंट माइनस करनी होती है वो एडजस्टमेंट माइनस करने के बाद जो हमें बचता है वो प्रॉफिट ले लेते हैं पर ईयर का, और उन पर ईयर के प्रॉफिट का टोटल कर लेते हैं। टोटल करने के बाद नंबर ऑफ ईयर्स, जितनी ईयर्स है, थ्री ईयर्स है, फोर ईयर है, फाइव ईयर है, सिक्स ईयर है, उन ईयर्स के से डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स जो दे रखी होती है वो एवरेज सिंपल एवरेज प्रॉफिट आ जाता है आफ्टर एडजस्टमेंट, और जो प्रॉफिट आता है आफ्टर एडजस्टमेंट वाला पर ईयर का उसे नंबर एवरेज प्रॉफिट जो आफ्टर एडजस्टमेंट आता है उसे नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन होता है। इस तरीके से गुडविल निकल आती है, ये गुडविल निकल आती है आफ्टर एडजस्टमेंट प्रॉफिट, प्रॉफिट की एडजस्टमेंट करने के बाद गुडविल की वैल्यू निकल आती है। अब बात करते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट बेस्ड की बात करते हैं, इसमें वेट होते हैं पर ईयर के जो वेट होते हैं उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर ये भी दो तरीका का हो, बिफोर एनी एडजस्टमेंट, अगर बिफोर एनी एडजस्टमेंट है तो प्रॉफिट में से कोई भी एडजस्टमेंट घटाए बिना प्रॉफिट को लेते हैं, यानी कि ये मान लो एग्जांपल है 2010 है, 11 है और 13 है, 14 है, ये ईयर हमने ले लिए, इन ईयर्स के प्रॉफिट हमने ले लिए हैं और इन ईयर के प्रॉफिट को बिना किसी एडजस्टमेंट के घटाए या प्लस किए, हमने बिफोर एनी एडजस्टमेंट प्रॉफिट ले लिया है और उसको नंबर ऑफ वेट जो फर्स्ट ईयर है उसे 1 देंगे, सेकंड ईयर 2 देंगे, 3 देंगे, 4 देंगे, उस नंबर ऑफ वेट से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपके प्रॉफिट्स आएंगे और इन प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई नंबर ऑफ वेट से मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रॉफिट्स है उन्होंने ऐड करेंगे, ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट है विदाउट एनी एडजस्टमेंट, लेकिन बिना कोई एडजस्टमेंट घटाए।
हमने दे दिया उसमें वेट लगा दिया है और वेट के टोटल को वन और टू थ्री, थ्री और थ्री सिक्स और फोर टेन, टेन से हमने उसे डिवाइड कर दिया यानी कि टोटल ऑफ वेट से हम उसे डिवाइड कर देते हैं। ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट। अब एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ परचेजिंग से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुडविल की वैल्यू निकल आती है कि गुडविल की वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट ये आती है। अब आफ्टर एडजस्टमेंट की बात करते हैं जिसमें एडजस्टमेंट माइनस या प्लस कर ली जाती है। ऐसे हम नेट प्रॉफिट लेंगे लेकिन ये नेट प्रॉफिट ना लेके वो नेट प्रॉफिट लेंगे जिसमें से एडजस्टमेंट हमने अगर प्लस करनी है तो प्लस कर देंगे और माइनस करनी है तो माइनस करने के बाद, यानी कि जो सिंपल प्रॉफिट होता है उस पर हम क्या लगा लेते हैं उनको एडजस्टमेंट प्लस या माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उस पर फिर वेट लगाते हैं। फर्स्ट ईयर को वन, सेकेंड ईयर को टू, थर्ड ईयर को थ्री और फोर्थ ईयर को फोर, या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी कुछ भी हो सकता है जो क्वेश्चन में दे रखे हैं। नई क्वेश्चन में दे रखे तो आप वन टू थ्री फोर फाइव ले सकते हो और इन वेट से मल्टीप्लाई करते जाता है, इनसे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने के बाद जो ये प्रॉफिट साफ है, ये प्रॉफिट साफ है। इन प्रॉफिट को हम लेने के बाद सारे प्रॉफिट्स को ऐड कर लेंगे और नंबर ऑफ वेट, टोटल ऑफ वेट है ना, जैसे 10, 20, 30 या 40 है तो इनका टोटल आएगा 10 और 20, 30 और 30, 16 और 40, 100। अगर ये दे रखे 100 ले लेंगे और 1, 2, 3 दे रखा है तो टोटल ऑफ वेट जो आएगा वो 10 आ जाएगा, 10 से डिवाइड कर देंगे फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। वो लेने के बाद नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर से हम क्या कर दिया जाएगा उन्हें मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, वो गुडविल आ जाता है आफ्टर वेटेड एवरेज प्रॉफिट से आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। ये आपके एवरेज प्रॉफिट के टोटल मेथड मैं आपको बता चुका हूं, मैंने दो मेथड बताए हैं एवरेज प्रॉफिट सिंपल और वेटेड, और ये दोनों भी दो दो मेथड बन जाते हैं, दो ये दो ये, तो दो ये हो गया और दो ये हो गया तो चार मेथड, यानी कि एवरेज प्रॉफिट के चार मेथड हो गए, एक बिफोर एडजस्टमेंट, एक आफ्टर एडजस्टमेंट, एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट करने के बाद जो आता है उन्हें ले लेते हैं और उसके आधार पर गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना पड़ता है क्वेश्चन में, लेकिन जो नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर है वो क्वेश्चन में हमें गिवन होता है, गिवन होने की वजह से हम उसे क्वेश्चन से लेकर सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। ये टॉपिक था एवरेज प्रॉफिट से गुडविल की वैल्यूएशन का। अब जो मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि एडजस्टमेंट कौन कौन सी एडजस्टमेंट ऐसी है जो प्लस करनी होती है, कौन सी माइनस करनी होती है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि एडजस्टमेंट कौन कौन सी होती है जो प्रॉफिट से प्लस या माइनस करनी होती है। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू।